रेवाड़ी के धारू हेड़ा थाना पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने वाहन चालकों को लूटने, धोखाधड़ी करने, हत्या का प्रयास व अन्य वारदातों को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को काबू किया है। 5ों बदमाश फरीदाबाद के रहने वाले हैं। किसी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी कार मीरपुर के पास सूरजपुर चौक पर हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें बाहर निकाला, तलाशी ली तो उनके कब्जे से देसी कट्टा, एक पिस्तौल व एक कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी की पहचान फरीदाबाद निवासी विकास अर्जुन नरेश भाटी परिवीन उर्फ कालू सुधीर के रूप में हुई है। आरोपियों के खिलाफ दर्जन भर से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर हंसराज ने बताया कि सोमवार की रात धारू हेड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पोलो कार मीरपुर के नजदीक सुरजापुर चेक पर एक्सीडेंट हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो गाड़ी पलटी गई थी और गाड़ी में सवार 4 लोग फंसे हुए थे। चारों को लोगों को पुलिस ने गाड़ी से बाहर निकाला तो घायल विकास के पास से देसी कट्टा बरामद हुआ। यह देख पुलिस ने अन्य 3 युवकों की तलाश ली। चारों आरोपियों के पास से हथियार व जिंदा कारतूस तथा चले हुए कारतूस के खाली खोल बरामद हुए हैं। उसके बाद पूछताछ की गई तो पता चला कि जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है वो भी कसोला थाना क्षेत्र से 13 अक्टूबर की शाम को NH71 के फ्लाईओवर से पिस्टल पॉइंट पर छीनी हुई थी। पुलिस ने चोरों से पूछताछ के बाद गिरोह के 5वें बदमाश अर्जुन को भी गिरफ्तार कर लिया है। 5ों बदमाशों के खिलाफ विभिन्न संगीन मामले दर्ज हैं। डीएसपी हंसराज ने बताया कि हादसे में क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी 13 नवंबर को कसोला थाना क्षेत्र के NH71 से छीनी हुई थी। आरोपी ने गाड़ी पर हिसार नंबर की फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई थी। कसोला थाना में बदमाशों के खिलाफ गाड़ी छीनने का मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। डीएसपी हंसराज ने बताया कि बदमाशों का गिरोह धारू हेड़ा क्षेत्र में एक्टिव था। यहाँ उन्होंने काफी वारदातों को अंजाम भी दिया। धारू हेड़ा थाना में स्नैचिंग, धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट के तहत कई मुकदमे भी दर्ज हैं। कल हमारे दारोड़ा बहुत सूचना मिली, 3-4 लड़के हैं और एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई पड़ी है, उसमें फंसे हुए हैं। मौका पहुंचे और उन्होंने जाके उनकी तलाशी ली, उनको गाड़ी से निकाला, उनको चेक किया तो उनके पास नजायज असला खाली कारतूस भरे कारतूस कई तरह के राउंड मिले उनके पास। उन्होंने उससे उनका मेडिकल करा गए, प्राइमरी पूछताछ की। उन्होंने सर हमारे यहाँ से रात को एक वारदात की थी, पेट्रोल पंप से तेल डलवा के भाग गए थे, उसके पैसे भी दे गए थे। उसके बाद उन्होंने गाड़ी की जांच की तो गाड़ी पे नंबर प्लेट फर्जी थी। तब उस गाड़ी का ओरिजिनल रिकॉर्ड चेक किया गया तो 13 को हमारे यहाँ से 13 तारीख को हमारे कसोला एरिए से उन्होंने पोलो गाड़ी को लूट रखी थी। उनसे आगे ज़्यादा पूछताछ की गई तो उन्होंने कई वारदातें बताई जिनमें फरीदाबाद की भी है और 2-3 वारदात हमारे यहाँ की है। इनमें से सभी लड़के यंग उम्र के हैं और सभी ही कई दिन से क्राइम में जुड़े हुए हैं। उसका अभी हम पूरा दौरा प्राप्त कर रहे हैं कि किस किस में इनकी अरेस्टिंग हो चुकी है और किस किस में ये अभी न्यायालय में पेंडिंग है। तो फिलहाल कितनी वारदातें सामने पेश करके आगे इनसे गहनता पूछताछ फिर करेंगे, रिमांड लिया जाएगा। जी जी, क्या कुछ बरामद किया सर? दो पिस्तौल बरामद किए हैं, कुछ खाली खोल बरामद किए, कुछ भरे रोन बरामद किए हैं, एक कार बरामद हुई, कार के ऊपर नंबर प्लेट फर्जी है, वो किसी मोटरसाइकिल का। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।